हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ IPPP मोबाइल बैंक में किस तरह से आप यहाँ पे UPI ID क्रिएट करेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ किस तरह से आप UPI ID यहाँ पे बना सकते हैं, पूरी डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। फ्रेंड्स आप UPI ID बनाकर इंडिया किसी बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं UPI ID के द्वारा। सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने छोटे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस करिए ताकि आपको यूट्यूब से ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए यहाँ से मैं आपको यह एप्लीकेशन यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन जैसे ही करेंगे आपके पास दूसरा यूज़र इंटरफेस खुल के आपके पास यहाँ पे शो करेगा। जो मेरा यहाँ पे लॉगिन MPPIN यहाँ से मैं डाल लेता हूँ, डालते यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ पे लॉगिन होगा आपके पास। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको शो कर देगा, सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, पे बिल्स, कार्ड्स का भीम UPI ID और पेंडिंग रिक्वेस्ट। आपको भीम UPI ID पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से आपके दूसरा ऑप्शन देखिए बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। आपको यहाँ पे सेंड मनी पे क्लिक करना। सेंड मनी पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ से तीन ऑप्शन देखा आपको देखा। देखिए यहाँ पे स्कैन से स्कैन करके पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ आपके पास मोबाइल में जितना भी कॉन्टैक्ट्स हैं इसके द्वारा आप पैसा यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। भीम UPI के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र कर सकें, आप यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल के पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं भीम UPI ID पे क्लिक करूँगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आपको लोडिंग ले रहा है। यहाँ पे थोड़ा आपको यहाँ पे थोड़ा वेटिंग करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको भीम UPI ID यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। यहाँ से आप नाम से भीम UPI ID बना सकते हैं, मोबाइल नंबर से बना सकते हैं। यहाँ से मैं मोबाइल नंबर से बनाऊँगा। चलिए यहाँ से मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं डाल लिया हूँ। यहाँ से आप नाम से भी डाल सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर से दोनों चीज़ से डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया अपना मोबाइल नंबर, एट दियर पोस्ट पेमेंट बैंक। अब यहाँ पर आपको चेक करना ये UPI ID ले रहा है कि नहीं ले रहा है। यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ लोडिंग ये थोड़ा ले रहा है। यहाँ से इसको लोडिंग यहाँ से लेने दिए, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो कर देखिए ये UPI ID यहाँ पे नहीं ले रहा। चलिए मैं दूसरा डाल के यहाँ से चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ से मैं डाल दिया, फिर से यहाँ से मैं चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ से इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर ये UPI ID यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए यहाँ हरा टिक लग गया। अब यहाँ पर आपको यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करना। चलिए कंटिन्यू पर यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम रहा। चलिए यहाँ पर मैं दिखला देता हूँ आपको। यहाँ से वहाँ पे जो मैंने कुछ गलत डाला था वहाँ पे वो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मेरा भीम UPI ID वहाँ पे बनकर तैयार होगा। भीम UPI ID कैसे देखेंगे बना या नहीं यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको चेक करने के लिए मैनेज UPI ID ID पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपको ऊपर की साइड में देखिए जो मैंने भीम UPI ID बनाया था वो यहाँ पे शो कर गया है। देखिए यहाँ पे भीम UPI ID है। अब नीचे में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे का ऑप्शन देखिए यहाँ पे आप क्रिएट न्यू भीम UPI ID यहाँ से आप न्यू क्रिएट यहाँ से बना भी सकते हैं। भीम UPI ID न्यू और मेरा जो ऊपर मैंने भीम UPI ID बनाया था ऊपर में देखे यहाँ पे शो कर रहा। इस तरह से आप भीम UPI ID यहाँ से बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन कॉमेंट करेगा आप नीचे यहाँ से पूछ सकते हैं।